इस फिल्म की कहानी गांधी की है, जो स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का ऑफिसर है और उसके एक मिशन के दौरान मेनन नाम का एक देशद्रोही आदमी का परिवार मारा जाता है और उसके कुछ टाइम बाद गांधी का बेटा भी आग में जलकर मारा जाता है। लेकिन सालों बाद जब गांधी बुड्ढा हो जाता है, उसके सामने उसके जैसा दिखने वाला एक जवान लड़का आता है और पता चलता है कि उस दिन आग में गांधी का बेटा बच गया था और उसके सामने खड़ा इंसान ही उसका बेटा है। लेकिन वो गांधी के साथ नहीं आना चाहता क्योंकि उसे डर है कि एक खतरनाक गैंग उन्हें मार देगा। पर गांधी अपने बेटे को अपने साथ ले आता है और फिर उसकी जिंदगी में एक अनजान दुश्मन भी आ जाता है। अब ये विलेन कौन है और गांधी इस विलेन से कैसे निपटता है, यही इस फिल्म में देखने को मिलेगा। देखो, फिल्म की कहानी फ्रेश फील देती है और स्क्रीन प्ले भी टाइट है, तो फिल्म में बोर होने जैसा कोई पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको गाने पसंद नहीं है तो थोड़े से निराश हो सकते हो क्योंकि वो खास इम्प्रेसिव नहीं है और बस टाइम वेस्ट करते हुए लगते हैं। बाकी कहानी में कई ट्विस्ट है और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देती है जिसमें आप शुरू से ही एंगेज हो सकते हो और फिर चाहे फिल्म की शुरुआत हो या क्लाइमैक्स, ठीक ठाक एंटरटेनमेंट होता रहेगा। बात करें एक्शन की तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि वैसे तो इसमें कई एक्शन सीन हैं पर ज्यादातर 1-to-1 टाइप के एक्शन हैं जिसमें बनावटी टाइप का कुछ नहीं लगता। बस एक जगह कई गैंग मेंबर गोलियां चलाते हैं पर विजय को एक भी गोली नहीं लगती, तो ये सीन भी क्लाइमैक्स से पहले आपको पता चल जाएगा कि वो गोलियां क्यों नहीं लगती। और हाँ, फिल्म के कुछ क्रोमा सीन स्मूथ नहीं है जिन्हें एक आम इंसान भी नोटिस कर सकता है, तो इतने ज्यादा बजट की फिल्म में इस तरह के सीन कहीं ना कहीं अजीब से लगते हैं। और बात करूं कि इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं, तो इसमें किसिंग सीन और खून खराबा है, तो फैमिली के साथ देखें या नहीं ये आप डिसाइड कीजिए। ओवरऑल बात करूं तो ये फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम तो नहीं है पर एक अच्छा एंटरटेनमेंट कर देती है।